हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन घोष आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप एक अपना यूट्यूब चैनल ट्यूब गुरु में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम जानेंगे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे आपको यूज करना है। तो प्रीवियसली जो दो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था उसको अगर अभी तक आप देखे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां क्लिक करके आप कैंडलस्टिक्स रिलेटेड दो वीडियो आप देख लीजिए। अब याद रखिए, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को ठीक से करना चाहते हैं, आप अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग को अपने एनालिसिस के थ्रू क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न को और हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो मेरा एक हर एक वीडियो से कोशिश करता हूँ आपको आसान शब्दों में बताया जाए टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, कैंडलस्टिक्स के बारे में, ताकि बिगिनर्स भी टेक्निकल एनालिसिस को समझ पाए और फॉरेक्स ट्रेडिंग में वो प्रॉफिट कर पाए, क्रिप्टो ट्रेडिंग में वो प्रॉफिट कर पाए। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था डॉजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि वीडियो को प्लीज आप कंप्लीटली देखिए, अगर कंप्लीटली आप नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न किसे कहा जाता है। तो नाम सुन के आप देखे होंगे कि नाम ही है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी ये जो कैंडल है इसका शेप रहेगा ऑलमोस्ट हथौड़ी का तरह। अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो हैमर का हिंदी है हथौड़ी, और इसका ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न का शेप ऑलमोस्ट है एक हथौड़ी का तरह। जैसे कि आप देखे होंगे कि हथौड़ी का अगर शेप से आप इस शेप को कंपेयर करेंगे तो कुछ इसी तरह से शेप रहता है। तो चलिए बात करते हैं कि जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है ये आप समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको देखना है कि बॉडी एट द टॉप ऑफ द कैंडल, यानी जो कैंडल है उस कैंडल का जो ये बॉडी है वो एकदम टॉप में रहेगा कैंडल का। अगर बॉडी टॉप में रहे तो आप मान सकते हैं कि काफी हद तक वो जो है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ शैडो साइज मस्ट बी डबल और ट्रिपल देन बॉडी। नीचे का जो शैडो का साइज है ये बॉडी से डबल या ट्रिपल होना होगा। अगर ट्रिपल हुआ तो आप सोच सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, या डबल होने से भी आप उसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हो। यानी ये जो बॉडी है इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो शैडो है इसका तीन डबल जो है, बॉडी का तीन डबल जो है शैडो है ये है। तो पहला है कि आपको समझना है कि जो बॉडी है वो हमेशा ऊपर होगा एंड जो शैडो है वो बॉडी का तीन गुना होगा, बहुत ही लंबा जो नीचे का शैडो है ये होगा। एंड कैंडल कैन बी रेड और ग्रीन। आप याद रखिए हैमर कैंडल, हैमर कैंडल स्टिक्स पैटर्न रेड भी हो सकता है, यानी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकता है, या तो फिर ग्रीन भी जो है रेड भी हो सकता है यानी एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकता है, एंड वो ग्रीन भी हो सकता है यानी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकता है। यानी रेड या ग्रीन दोनों में से कुछ भी कैंडल जो है बन सकता है, खाली आपको ध्यान में रखना है कि बॉडी ऊपर रहेगा एंड बॉडी का तीन गुना जो है नीचे का शैडो होगा। तो चलिए अब बात करते कि आपको इसे एक्चुअली में यूज कैसे करना है। तो आपको बता दें कि हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न एक बुलिश कैंडल है, यानी ये आपको बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है, तो उसका ये एक सिग्नल देता है, एक बेसिकली एक बुलिश कैंडल है। तो चलिए बात करते हैं कि आपको चार्ट में कैसे यूज करना है। तो आप यहां देख रहे हो कि एक चार्ट है, तो आप देख रहे हो कि चार्ट एक काफी लंबे टाइम से एक जो है डाउन ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, उसके बाद से यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हैमर कैंडल बना है। एंड हैमर बनने का बाद आप देख पा रहे हो कि मार्केट में रिवर्स चला है एंड मार्केट फिर से अप ट्रेंड में गया है। तो इसका मतलब क्या है ना, आप याद रखिए हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, एक बुलिश कैंडल, मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड में जाने वाला है वो ये आपको बताता है। लेकिन आपको चार्ट में बहुत ज्यादा इस कैंडल को दिखाई मिलेगा, लेकिन आपको समझ में कैसे आएगा कि आपको ये अच्छा एक सिग्नल दे रहा है। तो ये तभी काम आता है जब काफी लंबे टाइम तक आप देखे होंगे कि जो है सेल का ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। अगर ऐसा देख पा रहे हो आप सेल का ट्रेंड चले एंड उसके बाद अगर हैमर एक बने, तो आप मान सकते हो कि ये मार्केट का
बॉटम पॉइंट है, यानी इससे नीचे मार्केट शायद और जाएगा नहीं। इसका मतलब है हैमर से आप पता लगा सकते हो कि मार्केट का बॉटम क्या होने वाला है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है कि नहीं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहे एंड उसके बाद एक हैमर जो है जनरेट हो, जैसा कि इस पैटर्न में आप देख पा रहे हो, तो उसके बाद आपको सोचना है कि ये जो कैंडल का एंड ऑफ द पॉइंट है वही हो सकता है मार्केट का बॉटम। तो इसे आप मार्केट का बॉटम मान सकते हो। एंड उस कैंडल का बाद, हैमर का बाद, अगर एक बुलिश कैंडल आपको दिखाई मिले, अगर एक ग्रीन कैंडल आपको दिखाई मिले, तो आपको और थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट यहां से ऊपर का तरफ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक एनालाइज है, हमेशा ये होगा नहीं कि हमेशा आपका एनालाइज राइट हो, लेकिन काफी हद तक आपको इस कैंडलस्टिक से प्रॉफिट मिल सकता है। तो दो बातों का आप ध्यान रखिए, ये हैमर कैंडलस्टिक्स में आप तभी काम कर सकते हैं जब मार्केट बहुत टाइम तक जो है सेल ट्रेंड में रहे, डाउन ट्रेंड में रहे, जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हो। एंड उसके बाद अगर एक हैमर का कैंडल बने, एंड हैमर का कैंडल बनने का बाद अगर एक बुलिश कैंडल बने, तो आप मान सकते हो जो हैमर का कैंडल का बॉटम है, यानी एकदम जो कैंडल जहां आप देख पा रहे हो शैडो सबसे डाउन पॉइंट जहां बनाया है, उसे ही आप मान सकते हो कि मार्केट का बॉटम पॉइंट, यानी मार्केट लास्ट वही तक जा सकता है नीचे, और नीचे जाने का संभावना कम है। एंड उसके बाद ही अगर एक बुलिश कैंडल बन जाए, एक ग्रीन कैंडल बन जाए, तो उसके बाद आप सोच सकते हो कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर ही जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देखे हो उनको कंप्लीटली समझ में आया होगा एंड सिंपल तरीके से समझ में आया होगा कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज कैसे करना है। मैं आपको और एक बार बता देता हूं कि हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो है मार्केट का एक जो है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और आपको इससे फायदा तभी मिलेगा जब मार्केट बहुत दिनों तक डाउन में रहेगा एंड उसके बाद एक जो है हैमर बनेगा एंड उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनेगा, तो आप सोच सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करके आप ट्रेड को ओपन मत कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपका कुछ ट्रिक्स है, आप स्पेशली उसको यूज कीजिए, उसके बाद ही आप इस कैंडलस्टिक्स को, इस पैटर्न को यूज कीजिए। ये एनालाइज है, हमेशा ये राइट होगा ये भी नहीं है, काफी हद तक आप मान सकते हो कि ये राइट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैं कोई भी ज्यादा डीपली ट्रेडिंग टर्म्स यूज करके आपको नहीं बताया, मैं कोशिश किया कि बिगिनर्स भी समझ पाए हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न को। अगर आपका मन में कोई भी डाउट रहे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड चलिए आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग सा ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो के साथ। अगर आप चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।